दोस्तों, क्या आपके बाल भी 2 से 3 महीनों में सिर्फ 1 से 1.5 इंच बढ़ते हैं? क्या आपके बाल भी समय से पहले सफेद हो रहे हैं? क्या आपके बालों में भी डैंड्रफ है और आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं? अगर ये सारी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा और फॉलो तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि ये आपको 101% रिजल्ट देने वाला है। किसी भी प्रॉब्लम को जब हम खत्म करते हैं जड़ से, तो उससे पहले उसका रीजन जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके साथ 3 चीजें शेयर करूंगी। आप अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप इन 3 चीजों में से कौन सी चीज से रिलेट करते हैं जो आपका हेयर फॉल हो रहा है, जो आपके प्री मेच्योर व्हाइट हेयर्स हो रहे हैं, मतलब आपकी उम्र नहीं और समय से पहले आपके बाल सफेद हो रहे हैं। पहली चीज, आपने अपना बहुत ज्यादा वेट लूज किया है। वेट लूज में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें अपनी डाइट में से कट कर देते हैं दूसरों को देखकर कि वो पतली है तो मुझे पतला होना है, चाहे उसके लिए मुझे खाना बंद करना पड़े। दूसरी चीज, क्या आपने वेट गेन किया है? गेन के टाइम पे हम बहुत अनहेल्दी चीजें खाने लगते हैं। 6 महीने में अगर मेरा वजन बढ़ा है तो मैंने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करा है, खाई है चीजें या एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है, जिससे कि मेरे बॉडी में फैट बढ़ने लगा है। बॉडी में फैट नहीं बढ़ता बल्कि आपके पूरे शरीर का सत्यानाश होता है, वो बताऊंगी आगे कैसे। तीसरी चीज, आपने पानी पीना बहुत कम कर दिया है। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप जहाँ रहते थे वहाँ नहीं रहते, वहाँ का वेदर या क्लाइमेट या जगह का कुछ चेंजेस हुए हैं। देखिए, जो चौथा रीजन है कि अगर आप पहले कहीं रहते थे अब कहीं रहते हैं, तो वो तो आप दोबारा उस घर में नहीं जा सकते। वेदर इफेक्ट बहुत ज़्यादा करता है। सर्दियाँ शुरू होती हैं या गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हमारे बाल सबसे पहले इफेक्ट करते हैं, झड़ने लगते हैं। लेकिन पहले 3 रीजन को हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा रीजन था पानी पीना, जिसको हम अपने डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे कि हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ नहीं होगा। डैंड्रफ नहीं होगा तो डैंड्रफ सबसे बड़ा रीजन है बाल झड़ने का, जिससे हमारे बालों को मजबूती नहीं मिलती, तो वो आप ठीक कर सकते हैं। और सबसे पहला रीजन कि दूसरों को देखकर आप पतला तो हो गए जो आपने खाना छोड़ दिया, लेकिन क्या आपने नोटिस करा जो सामने वाला पतला है वो हेल्दी डाइट लेकर पतला हुआ है, ना कि भूखा मरकर? तो आप हेल्दी फूड इनटेक करना शुरू करें। आपने अपनी डाइट में ऐसा क्या अनहेल्दी खाना शुरू करा है जिसका इफेक्ट आपके वजन पे तो आया है, साथ में आपके बालों पर बहुत ज्यादा पड़ा है? ये तीनों रीजंस आपको अपने अंदर ढूंढने हैं और उनके अंदर चेंजेस लेकर आने हैं, तभी मेरी बताई हुई रेमेडी या दुनिया की किसी की भी बताई हुई रेमेडी तभी आपके स्कैल्प पर काम करेगी। अब आ जाते हैं रेमेडी का असरदार नुस्खा, जो मैं आपको घर पे बताने वाली हूँ, जो आपके बालों के लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। इस हेयर टॉनिक को बनाना कैसे है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 कटोरी चावल लेने हैं, उसको पानी में अच्छे से बॉईल करना है। उसका पानी छन्नी की मदद से छानकर चावल अलग करने हैं और पानी को एक अलग बर्तन में निकाल लेना है। उसमें आपने डालनी है 10 से 12 नीम की पत्तियां, उनको अच्छे से बॉईल करके एक वापस से अलग बर्तन में डाल लेना है। उसमें डबल बॉयलर की हेल्प से गर्म करके कोकोनट ऑयल मिलाना है और उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल देना है, और उस स्प्रे बॉटल को आपने हफ्ते में 3 बार अपने सर पर इस्तेमाल करना है। आप एक हफ्ते का इकट्ठे बना के रख सकते हैं, इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद आप उसको दोबारा से बनाएं। अब क्या करना है, आपने सर धोने से 1 घंटा पहले अपने बालों की जड़ों में, बालों की लेंथ में अच्छे से स्प्रे करना है। 1 घंटे बाद आप शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू भी आपने लिमिट का करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। प्रॉब्लम इस कि आजकल लोगों की मेंटालिटी क्या है कि शैम्पू में झाग नहीं आ रही, पहले वो यूज करते हैं पैराबेन फ्री। बहुत अच्छी बात है, पैराबेन फ्री जो शैम्पूज होते हैं वो आपके बालों के लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन वो झाग जल्दी नहीं देते। तो उस झाग को बनाने के चक्कर में आप दुनिया जहान की शैम्पू अपने सर में थोप लेते हो, जिससे आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, आपके बाल सूखे हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। तो इस चीज को आपने मेंटेन रखना है कि उसमें झाग नहीं आती, आप थोड़ी ही क्वांटिटी यूज करें, क्योंकि वो पैराबेन फ्री है इसलिए वो नॉर्मल शैम्पूज की तरह झाग आपको नहीं देगा। और ये सब फॉलो करने के बाद अपने बालों में लास्ट में एलोवेरा जेल या कोई कंडीशनर आपके पास अच्छा है तो वो जरूर अप्लाई करें। हफ्ते में 3 बार फॉलो करें। 1 बार के फॉलो करने के बाद ही आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, आपके बाल जड़ से काले भी हो जाएंगे, शाइनी भी हो जाएंगे और आपका हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाएगा। नोटिस करके देखिएगा, बहुत ह्यूज डिफरेंस मिलेगा आपको अपने बालों में। प्लीज ये सारी चीजें फॉलो करिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो डेफिनेटली मुझे भी पावर बूस्टर दीजिएगा मोटिवेशन का, और मेरा मोटिवेशन सिर्फ आप लोग हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो प्लीज मुझे भी वो खुशी दीजिएगा जो मैंने आपके साथ शेयर करी आपकी प्रॉब्लम को दूर करके। ऐसे ही प्यार बांटते रहें, करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बहुत ही अच्छी चीजों के साथ। धन्यवाद।